अभी से लोकसभा में आप देखिए हर स्टेट में उन्होंने लगा, आप राम मंदिर में देखिएगा ना, जब राम मंदिर होगा हर स्टेट से इन लोग ट्रेन लाएंगे, ट्रेन लाएंगे, कहीं का कहीं कोई मुस्लिम एरिए से जाएगा, कोई खुद ही उन लोग को एक स्टोन फेंक के बोलेंगे देखो इन्होंने मारा है कस्टम। मैं आपको आज आपके चैनल में बोलूं उनको 2024 जीतेंगे कैसे, पुलवामा तो डबल नहीं कर सकते, चाइना के वॉर तो डबल नहीं कर सकते, सिर्फ के हिंदू मुसलमान करके इस बार फिर जीतने वाले और दंगे। दिस इज द ओनली द पीएम हरियाणा में जो है, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, आप देखिए ना क्या होता है आगे नीचे, तो पार्टी के ही लोग इनको हटा देंगे एंड ही नोज दिस। मुझे ये डर है कि ये कहीं कोई खुराफात ना करा दें, जिसे राम मंदिर पे कोई विस्फोट करा दें, किसी बीजेपी के आदमी को मरवा दें इम्पोर्टेंट को, ऐसे काम करा सकते हैं, ही इज कैपेबल ऑफ दैट। जो पुलवामा करा सकता है वो कुछ भी करा सकता है, ही हैज स्कैंट रिगार्ड फॉर डेमोक्रेसी, उनको बिल्कुल परवाह नहीं है पार्लियामेंट की, भोंकते रहो तुम जो कहोगे, वो परवाह नहीं करते हैं, पर वो गलत रास्ते पे हैं। उनके लिए बेस्ट है अगर वो अभी छोड़ जाएं, इस चुनाव में हिस्सेदारी ना करें, हार के जाएंगे तो क्या बहुत अच्छा रहेगा। मैं ये गारंटी करता हूं आपको कि 2024 में ये कामयाब नहीं होंगे। कैसे और क्यों इन जवानों को एयरलिफ्ट नहीं किया गया और बसों में भेजा गया, उनको क्यों इग्नोर किया गया, इतना सारा आरडीएक्स कहाँ से आ गया, और उस गाड़ी को सीधा कॉन्वॉय से टकराने कैसे दिया गया, बैरिकेड क्यों नहीं किया गया, कि 3 घंटे तक प्रधानमंत्री इस पर कुछ नहीं बोले, कहते हैं कि मैं जंगल में था, आउट ऑफ कम्युनिकेशन था। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। तृणमूल कांग्रेस के महुआ मल्होत्रा ने बहुत बड़ा बयान देते हुए कहा कि 2024 में भाजपा राम मंदिर की तामीर मुकम्मल करेगी और उससे पहले पूरे मुल्क में भाजपा अयोध्या के लिए मुफ्त ट्रेन या ट्रेन चलवाएगी, किसी मुस्लिम इलाके से खुद ही पत्थर भाजपा या संगी फेंकेंगे और फसाद करवाएंगे। भले महुआ मल्होत्रा का यह बयान सियासी तौर पर देखा जा रहा हो, पर इसमें गहरी बात और सच्चाई भी है। इस बात को मुसलमानों को कितनी संजीदगी से लेनी चाहिए इसे समझने की जरूरत है। ये भी बात उतनी सच्चाई के मुसलमानों में किसी तरह की संजीदगी नहीं नजर आती। कुछ तंजीमें इदारे मुसलमानों की हिमायत बनकर काम तो कर रही हैं, पर क्या जमीनी सतह पर आवाम को बेदार करने की कोशिश भी हो रही है? मुस्लिम नौजवानों को जेल में जाने के बाद बेल के लिए या फिर जेल में खाना पहुंचाने तक का काम कर रहे हैं, वकील की फीस भी दे रहे हैं और उन खिदमात को गिना भी रहे। खैर इतना कर रहे हैं ठीक है, पर क्या महज इतना करना सब कुछ है? जब खुलेआम नफरती गिरोह बयानात के जरिए मुसलमानों का बायकॉट करने की बात कर रहे हैं, क्या आपको कोई मुस्लिम तंजीम, मुस्लिम सियासी पार्टी का दावा करने वाले लीडर कितने मुकदमे इन पर कर चुके हैं, यानी कि इन फिरका परस्तों पर? महज टीवी डिबेट में मुस्लिम हिमायती होकर बोलना क्या काफी है? तकरीबन लोगों को यह कहते हुए देखा जा रहा है कि भारत में फसाद होने वाला है। ये भी अलमिया देखिए कि प्रशांत भूषण, साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक और अब तृणमूल कांग्रेस की महुआ मल्होत्रा खुलकर भाजपा संघ के नापाक मनसूबों को मंजरेआम पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो समाज निशाने पर है, जिनकी नस्लकशी होने वाली है, जिनके कारोबार का बायकॉट करने के लिए पुलिस के साथ निकाले जा रहे हैं, मॉब लिंचिंग की वारदातें पेश आ रही है, ट्रेन में मुसलमानों की शनाख्त पहचान देकर वर्दी में छिपे बजरंगी गोलियां दाग रहे, लेकिन मुस्लिम समाज का कोई फर्द, कोई भी लीडर या दीनी सियासी रहनुमा उफ तक बोलने को तैयार नहीं। अब इसे क्या कहा जाए? यकीनन डर खौफ का माहौल है, लेकिन संविधान तो आज भी जिंदा है। क्या इसी संविधान के सहारे एहतजाज नहीं कर सकते? क्या मुकदमे दायर नहीं किए जा सकते? इतना तो जरूर है कि एक बार फिर राम मंदिर को मरकजी नुक्ता बनाकर पूरे मुल्क के माहौल को आलूदा करने की साजिश परवान चल रही है। पर अफसोस क्या, आज भी मुसलमान बाजारों में, महफिलों में, तकरीबात में, इजलासों में मसरूफ है। आपसे इख्तलाफात तो आज भी खत्म नहीं हो रहे, जबकि मुसलमानों के इतने बड़े कायद, वो भले किसी भी पार्टी में हो, दीनी सियासी रहनुमा, किसी तरह का रद्द अमल इनकी जानिब से नहीं देखा जा रहा। यकीनन उन लोगों को सलाम है जिन्होंने इतनी हिम्मत करके भाजपा संघ परिवार के मंसूबों को खुलेआम मीडिया के जरिए कह रहे हैं। क्या ये हिम्मत कम है? सत्यपाल मलिक, जो खुद कश्मीर के गवर्नर रह चुके हैं, पुलवामा पर बोलते हुए कहा था कि जानबूझकर सियासी मुफाद हासिल करने के लिए मोदी सरकार ने फौजियों को मरने दिया, इसके पीछे मोदी सरकार का हाथ है। इसी तरह सियासी मुफाद हासिल करने के लिए भाजपा राम मंदिर पर हमला करवा सकती है, ऐसा भी सत्यपाल मलिक ने कहा था। इसी तर्ज पर मशहूर वकील प्रशांत भूषण ने भी खदशा जाहिर किया था कि राम मंदिर के जरिए मुल्क भर में दंगे करवाए जा सकते हैं। इसी तरह कपिल सिब्बल ने भी जो पिटीशन दाखिल करके
सुप्रीम कोर्ट को फिर से कहने पर मजबूर कर दिया था वो कपिल सिब्बल थे। अब महुआ मल्होत्रा का कहना है कि जैसे गोधरा कांड को अंजाम दिया गया उसी तरह राम मंदिर के बहाने 2024 से पहले मुल्क भर से ट्रेन अयोध्या छोड़े जाएंगे, कार सेवकों को जलाया गया, उस तरह मुस्लिम मोहल्लों से पथराव किया जाएगा और इसी को बहाना बनाकर फसादात का दौर पूरे मुल्क में शुरू किया जा सकता है। नू फसाद के बाद हरियाणा में मुसलमानों का बायकॉट करने के ऐलान के बाद हरियाणा का जाट समाज मुसलमानों के हक में खड़ा हुआ और कहा कि किसी में दम है तो मुसलमानों को हाथ लगा कर दिखाए। इसी तरह सिख भाइयों ने भी मुसलमानों के हक में आवाज बुलंद फरमाई। मतलब आज भी उम्मीद की शमा रोशन है, चराग अभी बुझे नहीं है। अब इन तमाम के दरमियान पूरा मुस्लिम समाज कहाँ है? क्या इसे खुद की तो परवाह है? बार बार कहा जाता है कि मस्जिदों में हालात पर बयान कर किस खतरनाक दौर से मिल्लत गुजर रही है इसका एहसास दिलाया जाए। पूरा मुस्लिम समाज आज भी इत्मीनान की सांस ले रहा है, इत्मीनान की नींद ले रहा है, जबकि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। मुस्लिम समाज को सफेद हस्ती से मिटाने के जुलूस निकाले जा रहे हैं। मुस्लिम खवातीन की खुफिया वीडियो बुरखा पहनकर निकालने की वारदातें भी पेश आ रही है और ये बढ़ती भी जा रही हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कर्नाटक में इसी तरह की वारदातें बारहा पेश आ रही है। इससे पहले भी इस तरह की वारदातें पेश आई और बुरखा पहने एक हिंदू शख्स को पकड़ा गया था। पर मुस्लिम समाज को किसी तरह की परवाह नहीं है, ना तो खवातीनों में किसी तरह की बेदारी और ना ही मर्दों में। पता नहीं मुस्लिम इलाकों में कौन कौन लिबास बदल कर आता होगा, इन्हें अपने घर की परवाह नहीं, वो क्या समाज माशरे की परवाह करेंगे। कितने उलमा दीनी रहनुमाओं ने कितने वर्कशॉप किए जिसमें बजरंग दल RSS की साजिशों पर बोले हो, शायद ही कहीं इस तरह के वर्कशॉप किए गए। मैंने अक्सर देखा है कि हिंदुत्व बजरंग दल RSS का नाम लेने तक की हिम्मत नहीं होती। अब क्या खाक अपनी हिफाजत कर पाएंगे? तुम्हारे खातिर कुछ और लोग बोल रहे हैं। शर्मानी चाहिए हमारे जिम्मेदारों को कि हमारे हिस्से की जंग कोई और लड़ रहा है। अब तो समझो कम से कम हालात पर तस्करा तो करो। नूह में सैकड़ों मकाना गिराए गए, बेगुनाहों की गिरफ्तारियां अब भी जारी है। बिट्टू बजरंगी को तो पकड़ लिया गया पर आज भी हुकूमत में दम नहीं कि वो मोनू मानेसर को गिरफ्तार कर ले। आखिर वो कौन लोग थे जिनके हाथ में AK-47 जैसे जदीद हथियार थे और साथ में खाकी वर्दी वाले भी मौजूद थे, यानी वर्दी पहने हुए अफसर आरोपी को पकड़ने की बजाय उनकी हिफाजत कर रहे थे। नू में जो हुआ पहली बार नहीं हुआ। घरों पर बुलडोजर चलाने को भी अब अंधभक्त फक्र समझ रहे हैं। फसाद होने तक मकान गैर कानूनी होने का इल्म सरकार को नहीं रहता, लेकिन जैसे ही कहीं पर फसाद होता है और वो भी एक मखसूस समाज के मकानात, उनको गैर कानूनी नजर आने लगते हैं। फसाद भी तरतीब से अंजाम दिए जाते। इसका पहला पार्ट होता है कि जुलूस को जानबूझकर मुस्लिम इलाकों से ले जाओ, साथ में इंतजामिया भी रहती है, फिर वहां भद्दी गालियां मुल्ले काटे जाएंगे के नारे एक समाज को दे दो, कुछ रद्द अमल न हुआ तो फिर मस्जिद पर भगवा परचम ले रहो। दूसरे पार्ट में पथराव होता है, पत्थर नहीं आया तो खुद ही पत्थर फेंक दो और साथ में पुलिस पर भी फेंको ताकि दूसरे समाज को जिम्मेदार ठहराओ। तीसरा पार्ट है मुकमा के साथ बुलडोजर लाओ और कहो कि गैर कानूनी है, फिर गरीबों के घर उजाड़ो, सब खत्म हो जाए कि सब घर गिरा दिए जाए तो फिर अदालत से स्टे भी लाया जाता है। पर कभी आपने मस्जिद पर चढ़कर भगवा लगाने से बुलडोजर घुमाने तक कितनों पर मुकदमे दर्ज है, कितनों को जेल भेज दिया गया कभी पूछा है? अगर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हेट स्पीच जहां भी हो रही है फौरन गिरफ्तार किया जाए, पर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल कर कितने हेट स्पीच करने वालों को गिरफ्तार किया गया? और अगर पुलिस नहीं कर रही है तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच के दौरान खड़े पुलिस अफसरान से लेकर कांस्टेबल तक को अदालत की खिलाफ वर्जी के तहत उन तमाम पुलिस वालों को सस्पेंड किया? इस पर मुस्लिम समाज का क्या रद्द अमल रहा? कितने मुस्लिम सियासतदानों ने अदालत में जाकर बजरंग दल RSS VHP पर मुकदमे दर्ज क्यों नहीं किए? क्या महज TV डिबेट कर मुसलमानों की हमदर्दी हासिल करना चाहते हैं? जमीन पर कितना काम हो रहा है, लिहाजा इतना तो जरूर है कि महुआ मल्होत्रा ने जो बयान दिया है इस पर तवज्जो की जरूरत है। खासकर मुस्लिम समाज को बेदार होना होगा। इस तरह गाफिल रहोगे तो शायद तुम्हारी दास्ता तक न होगी दास्तानों में। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।